नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गांव मुछल में पिता ने बेटी का बेरहमी से किया कत्ल, शव को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर गांव में घुमाया। दिड़बा से लौट रहे एक पेट्रोल पंप मालिक से कुछ लोगों ने रास्ते में घेरकर की मारपीट, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ में जालंधर के 2 भाइयों की हमलावरों ने चाकुओं से गोंद कर की हत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना तरसिक्का के अधीन पड़ते गांव मुछल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नौजवान लड़की को उसके पिता ने ही मौत के घाट उतारकर उसके शव को अपने मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर पहले गांव में घुमाया और फिर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तो वहीं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से जांच शुरू कर दी गई। इस मौके पर मृतक लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनकी बेटी गत दिवस घर से चली गई थी, जिसका नाम सुमनदीप कौर है और उसकी उम्र करीब 20 वर्ष है। उन्होंने बताया कि वे सारी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली और सुबह वह अपने आप घर वापस आ गई। वहीं जब लड़की के पिता ने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी, तो लड़की ने कुछ नहीं बोला, तो गुस्से में आए उसके पिता ने उसे तेज धार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद लड़की का पिता लड़की के शव को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर ले गया और फिर वह घर वापस नहीं आया। तो वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी कुलदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि थाना तरसिक्का के अधीन पड़ते गांव मुछल में दलबीर सिंह की ओर से अपनी लड़की पर तेज धार हथियार से वार कर उसका कत्ल कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला है कि लड़की के कत्ल के बाद उसके पिता ने उसे मोटरसाइकिल के साथ बांध कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और जब लोगों ने उसे देखा तो वह भाग गया, जिसके बाद देर रात मृतक लड़की के पिता दलबीर सिंह ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस की ओर से दलबीर सिंह को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर दलबीर सिंह ने कहा कि उसकी बेटी एक रात और दिन किसी के घर रहकर आई थी और उसकी भी इज्जत का सवाल था, इसलिए उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। तो वहीं अदालत ने आरोपी को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोर्ट वालों 1 दिन का रिमांड दिता गया जी, सानू इनू कल फिर अं दोबारा पेश करांगे पुछगिछ तो बाद, जो भी पुछगिछ आवेगा वह भी शेयर कर देंगे। साड़ी हुण तक की पुछगिछ से हुई, मैं पहला भी दस चुका सी भी कल ये लड़की परसों चली गई सी जी बिना दसे घरों, तो कल करीब 1:15-2 बजे वापस आई है। जदों वापस आई है तो अपने फादर ना तकरार हो गया, जस उस टाइम ही इन्हें बाहर इन घरों बाहर खिंच के तो अपने कृपान नाम मार दिता जी वर्ती। नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं, अजे तफ्तीश चाहिए अजी कर रहे हैं, वो तो अजे जस्ट जो पहली साड़ी फस्ट हैगी कर। हाँ जी, वो इनू लड़की अपनी कृपान नाम वढ़ के तो वो बाद पैर बन के मोटरसाइकिल पिछे घसीट के फाटक से सुटे से करीब 200-300 मीटर का हैगा जी एरिया जो जितों घसीट के लैके गया जी। जी धी मेरी ना एक रात दिन तो रात किसी के घर रह के आई आ, तो मैं आप अणखाले बंदे मुछलों के इन कुड़िया लोगों दिक हुई ना, तो वह भी लोग रख लेंगे जड़िया गई मरण तो जीवी सतवी च पढ़न दी ना कर। हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां युवकों ने जालंधर जिले के 2 भाइयों की हत्या कर दी। हमलावरों ने दोनों को सोलन के नालगढ़ में बीच सड़क पर चाकुओं से गोंदकर मार डाला। इस डबल मर्डर की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जब हमलावर चाकुओं से गोंदकर सड़क के किनारे दोनों भाइयों को मार रहे थे, तब पास से लोग गुजर भी रहे थे, लेकिन किसी ने भी दोनों भाइयों को हमलावरों से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मर्डर की यह वारदात मौके पर खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन पर कैद की और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जालंधर के उपमंडल नकोदर के तहत आते गांव खीवा के 2 सगे भाई वरुण और कुणाल हैं। दोनों पर पंजाब से आए 3 हमलावरों ने नालगढ़ राम शहर मार्ग पर प्रीत कॉलोनी के पास तेज धार हथियारों से हमला किया।
दोनों को बुरी तरह से मारा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कुछ नहीं, बस पहले इकट्ठे रहते होंगे यार दोस्त, पक्की यारी सी इन्हों की, इकट्ठे खाते पीते होंगे सके, तो बस कुछ नहीं, बाद चो भाजी भी इन्हों का कोई माड़ा मोटा लैन देन होगा, कोई लखा का करोड़ों का नहीं, हज़ारों का माड़ा मोटा हो या किदा भी है पता नहीं। बाकी इन्हों फोन फाना तो गल होंगी सी, यही नहीं पता हूँ की गल सी किदा होंगी सी। तो बस ये मुंडा है, वो मुंडा भी वो इतों निकल गया आ पिंड तो भी चल भी मैं कला कलेश तो चल जावा भी मैं अपना उत्थे जाके काम करा जाके कमाई करा भी अपनी माँ चलो मैं पैसे पूसे कमा के दूंगा या किदा भी घर चलाऊँगा। ठीक है जी, मुंडा इतों चला गया काम कर, बड़ा वधिया 20 दिन हो गया भाजी मुंडे गए काम कर चला गया, काम करता सीगा। ठीक है जी, ये मुंडे पिछे चल गए जी, वो बस उन्होंने फोन करके पिछे चल गए, वो बस फोन करके इतने आ जा तो वो काम हो गया जी। सी जी पक्की यारी दोस्ती सी इन्हां दी, पक्के यार दोस्त सीगे, माड़ा मोटा जी लैन देन भी कोई खास नहीं, उदा ही सी माड़ी मोटी गल सी, बस फोन ते एक दूजे स्टेटस पाते सके, बस भी वह कहें अं आने वो मुंडिया भी इन्ना है नहीं सगा भी इदा साढ़े ना होगी, क्योंकि कट्ठे है एक थोड़े टाइम दे नहीं बहुत टाइम दे जी, घर आता सी सौंदा सी, इतने रहिंदा भी रहा आया वो मुंडा आके, तो बस उत्थे जाके वो दोनों जने एक्टिवा लैके आए आ, तो पिछों जी तैयारी दे गए सके, बाकी वो वीडियो के सारा कुछ देखिए ही है भी किदा किदा इन्होंने किया किता है। तहसील कार्यालय दिड़बा से लौट रहे पेट्रोल पंप के मालिक को रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप मालिक दीपक गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि वे तहसील से लौट रहे थे कि कृषि सहकारी बैंक के सामने कुछ लोगों ने कार रोकी और उसे कार से बाहर खींच लिया। जब वह कार रोकने का कारण पूछने लगा तो 3 से 4 लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसके चेहरे पर लात मारी गई। उन्होंने बताया कि लुटेरे उससे चांदी की चेन और नकदी छीनकर फरार हो गए। दीपक गर्ग के पिता जीवन गर्ग ने कहा कि अगर लोग छुड़ाने एक साथ नहीं आते तो और भी गंभीर चोटें आ सकती थी। दीपक गर्ग के मुंह के अंदर बड़ा घाव होने के कारण टांके भी लगे हैं, दांत भी हिलने लगे हैं, दाहिनी जांग भी जख्मी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सारे मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं मौके पर पहुंचे दिड़बा थाना प्रमुख संदीप सिंह कालेका ने बताया कि एएसआई मिट्ठू राम ने सिविल अस्पताल संगरूर पहुंचकर पीड़ित दीपक कुमार का बयान दर्ज कर मुनीश कुमार, बंटी कुमार, बिंदर सिंह और 2 अज्ञात लोगों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਸੰਗਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੇ ਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਰ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਾਨ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਰਟਿਕਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਮਨੀਸ਼ ਉਰਫ ਕੱਦੂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਬੰਟੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿੰਦਰ, ਅਤੇ 2 ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, FIR ਨੰਬਰ 95 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ 323-41-506-148 ਨੰਬਰ। ਮਦਈ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਦਈ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
नगर कौंसिल कार्यालय धूरी में सुबह लगभग 11 बजे विजिलेंस ब्यूरो संगरूर की ओर से रेड की गई। इस रेड के दौरान विकास कार्यों की फाइलों को खंगाला गया। इस रेड में कांग्रेस सरकार के समय में हुए विकास कार्यों की जांच की जा रही है। ये जांच 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2022 तक हुए विकास कार्यों की जा रही है। तो वहीं इस दौरान किसी भी अधिकारी ने कैमरे के समक्ष कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 15 अगस्त के मद्देनजर जहां पंजाब भर की पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है, वहीं अमृतसर के रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन की टीम की ओर से रंजीत एवेन्यू सी ब्लॉक में ट्रैफिक वाहनों की औचक चेकिंग की गई और कारों के ऊपर लगी काली फिल्में एवं अन्य दस्तावेज चेक कर चालान किए गए। वहीं इस संबंधी बातचीत करते हुए अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू की SHO अमनजोत कौर ने बताया कि माननीय DGP पंजाब और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर जहां 15 अगस्त के मद्देनजर प्रबंध पुख्ता किए गए हैं, वहीं वाहनों की चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध गाड़ियों को पूरी सतर्कता के साथ चेक किया जा रहा है व काले शीशे और बिना दस्तावेज की गाड़ियों के मौके पर चालान किए जा रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नहीं, एक्सीडेंट तो चलो छोटी जी गड्डी वजी सी, एडा कोई इशू नहीं है। मेन साड़ी चैकिंग का मुद्दा है कि आ जड़े नौजवान अजकल दे कालियां जालियां ला के घूमते आ जां गड्डियां ते फिल्म वगैरह लाई हुंदी आ, इन्हां दी रैंडमली चैकिंग की जा रही है। बस उहदा करके थोड़ा इन्हां नूं समझाउण वास्ते कि वेखो ये चीज़ां अलाउड नहीं हैगियां, आपां नूं ट्रांसपेरेंट चलना चाहिए। पार्किंग तो बाहर गड्डियां लगांदे ने नौजवान, की इन्हां नूं जागरूकता जी चैकिंग ते सारे नाके वगैरह ते साडे ऑलरेडी चल ही रहे हैगे आ, चेकिंग कर रहे हैं भी सारे जिहड़े शरारती अंसर हैगे आ उहनां दे वध-वध नत। अमृतसर में बड़े उद्योगपतियों की 3 जत्थेबंदियों जिनमें फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन, बल कला इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन और पंजाब व्यापार मंडल की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली मंत्री पंजाब हरभजन सिंह इटियो ने विशेष रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास में उद्योगपतियों और व्यापारियों का बड़ा योगदान है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में नौकरियां और कारोबार के अवसर पैदा करने के लिए उन्हें इन उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ की जरूरत है और उनके कारोबार में आती हर मुश्किल को हल करना उनका फर्ज है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह इटियो ने कहा कि बतौर बिजली मंत्री वे उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके विभाग की ओर से उन्हें व उनके उद्योगों को चालू रखने में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और उनके अधिकारी और कर्मचारी उनके उद्योगों की ऊर्जा जरूरत को चालू रखने के लिए दिन रात सरगर्म हैं। इस दौरान उन्होंने सभी उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर मुश्किल का हल किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो अज साढ़े अमृतसर के इंडस्ट्रियल एसोसीएशन जगह ने उन्होंने नाल मीटिंग सीगी और मेरे को काफ़ी रिप्रजेंटेशन रिगार्डिंग पावरकॉम पावर की सप्लाई नाल संबंधित या होर कुछ मसले कोई नवे ग्रिड लगाते कोई सिस्टम रीवैम्प करने जोड़े सके काफ़ी सके। सो अज मैं सबनों इतने जरा वो सुनिया इन्होंने अपनी रिप्रजेंटेशन दिखाई ने फोकल पॉइंट टैक्सटाइल्स वाल दिनिया सगिया उन्होंने कुछ तो यहोजियां जड़िया मतलब वेरी माइनर सगिया उन्होंने असी मौके पर ही जरा सॉल्व कर दिता है और आने वाले समय के जिन्या बाकी ने कुछ रेगुलेटरी कमीशन संबंधित ने कोई PSPCL के हायर अथॉरिटीज़ संबंधित ने वो भी असी करा कुछ कैबिनेट के लेके जाने वाली ने। सो सारिया का जड़ा आ समाधान लभांगे। जय श्री राम। अज पंजाब के पावर मिनिस्टर श्री हरभजन सिंह ईडियो जी नाल एक बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग पंजाब ने मैं समझना ट्रेड इंडस्ट्री दी सारी ही एसोसीएशन अज एक प्लेटफॉर्म पर कट्ठिया हुई हैं जिदे विच साडे पैरदा सेठ जी पंजाब व्यापार मंडल के प्रधान इहदे दुग्गल साहब अमृतसर के ब्रांच के प्रधान PMA तो दीपक जी दीपक खन्ना जी राजीव खन्ना जी रंजन अग्रवाल जी मेरे वड्डे वीर जी जिहड़े वार टाइम एसोसीएशन तो
ਕਮਲ ਡਾਲਮੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਲਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ, ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਕਈ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਕ ਲੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾ ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਫੂਲੋ ਕਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕਰ ਉਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। जालंधर के एक निजी होटल में एपेक्स ट्रेड फेयर की ओर से एक्सपो का आयोजन किया गया। इस मौके पर एपेक्स ट्रेड प्रमोटर नमिश अरोड़ा ने बताया कि लगभग पिछले 2 दशकों से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आईएएस मेंटोर एहसान उल हक ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। एपेक्स द्वारा शहरवासियों को लेटेस्ट ट्रेंड की जानकारी और खरीदारी का मौका दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाली एक्सपो में प्रमुख ब्रांड कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं और एक ही छत के नीचे लोगों की हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर लगे अलग अलग स्टॉल्स पर बहुत ही कम दामों पर सामान उपलब्ध हैं, इसलिए उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस एग्जीबिशन में आकर मौके का लाभ उठाएं। इस मौके पर पारस दिलबागी, भाटिया जी, अश्विनी कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सो आई एम चंद्रकांत गुप्ता फ्रॉम महाराजा चाप हरियाणा, और हम ये जलंधर में एपेक्स स्टेट फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड माय कंपनी इज महाराजा चाप, हम सोयाबीन चाप बनाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम जलंधर में आए हैं जस्ट टू फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट फॉर माय प्रोडक्ट। हमारे चाप की खास बात ये है कि इट्स अ मल्टी ग्रेन चाप, 7 ग्रेन से बनती है ये, इट्स गुड फॉर हेल्थ। 21% प्रोटीन की गारंटी लेते हैं हम इसके अंदर, और खाने में बहुत टेस्टी है। मैदा नहीं है ये, मैदा नहीं है, जो आमूमन बहुत लोग बनाते हैं चाप, दिल्ली में से आती है, लोकली भी बनाते हैं, लेकिन हमारी चाप में खास बात ये है इट्स अ मल्टीग्रेन चाप। इसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीना और ये पैकिंग के अंदर आती है, फ्रोजन चाप है। दूसरी एक नई चीज़ हम लेकर आए हैं पहली बार, दिस इज मॉक मीट। मॉक मीट का मतलब नकली मीट, और ये कच्चा आम बेचते हैं। रेडी टू ईट सेक्शन में हम बना हुआ बेचते हैं, जिसको आपने गर्म करना है और खाना है। कच्चे के अंदर क्या होता है कि अगर आप मटन ग्रेवी में इसको कुक करेंगे तो ये मटन जैसा लगेगा, फिश ग्रेवी में कुक करेंगे तो फिश जैसा लगेगा, और इसको अगर चिकन ग्रेवी में कुक करेंगे तो चिकन जैसा लगेगा। और ये बहुत बहुत सस्ता है, बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पे हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। जी, आई एम नमीश अरोड़ा, CEO अपेक्स ट्रेड फेयर। हमने जलंधर वासियों के लिए ट्रेड फेयर स्काईलॉक होटल में लगाया हुआ है अपेक्स ट्रेड फेयर के नाम से। इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स रखे हैं, होम, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो आज के टाइम की एक ज़रूरत है और एक नेसेसिटी है। तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, विजिट करें और हेल्दी प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखें। हमने बिल्कुल डिफरेंट और नई लॉन्चिंग्स यहाँ पे की है सारी कंपनीज की, और मल्टीनेशनल ब्रांड्स में हमने लेके आए हैं। ये हमारा 3 दिन चलेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 11 से लेकर 13। स्काईलॉक है, ये सेंट्रली एयर कंडीशन वेन्यू है। इसमें हम लोगों के लिए अट्रैक्शंस भी रखी हैं, जैसे गेम्स रखी हैं, बच्चों के लिए लकी ड्रॉज रखे हैं, तीज त्यौहार है, डांस कंपटीशन है, जो लेडीज़ आएंगी उनके लिए मेहंदी फ्री है, नेल आर्ट फ्री है। तो काफ़ी हमने इसको अट्रैक्टिव भी साथ में बनाया है, ताकि लोग आएँ और वहाँ यहाँ पर शॉपिंग तो करें ही करें, साथ में इंजॉय करें। लोगों यहाँ पर सैम्पलिंग हो रही है, फ्री सैम्पलिंग हो रही है, डेमोज हो रही है, तो एक बार आप इसमें ज़रूर विजिट करिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एट होटल स्काईलॉक। थैंक यू। अपेक्स ट्रेड फेयर जो जिसके CEO हैं मिस्टर नमीश अरोड़ा, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो ट्रेंड सेटअप किया आज से 10-12 साल पहले, और इंडस्ट्री को, ट्रेड को और बिज़नेस को एक अम्ब्रेला के नीचे ला कर के जलंधर के लोगों को जो ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने ट्रेड फेयर के थ्रू, तो ही डिज़र्व्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बड़ा हार्ड वर्क और मेहनत करके ये सारी इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हैं। तो ये जो करंट
ट्रेड फेयर है स्काईलार्क होटल में, जो 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक चल रहा है। इसमें मुझे आज इन्होंने इनवाइट किया, तो मैंने आने के बाद महसूस किया कि 3 सेक्टर्स में इन्होंने इस ट्रेड फेयर को क्लासिफाई किया है, होम, एडुकेशन एंड हेल्थ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी कंट्री के लिए हेल्थ एंड एडुकेशन ये बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। मैंने बहुत से स्टॉल्स विज़िट किए जिसमें ख़ास तौर से अगर मैं वेलनेस की बात करूं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो इतने अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स आज इस ट्रेड फेयर में मौजूद हैं। और स्पेशली COVID-19 के बाद जो हेल्थ डैमेज हुई है उसको रिकवर करने के लिए जो इनके पास ऑर्गेनिक ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स आए हैं, जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं, अपने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि जलंधर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये। 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए सुनाम पुलिस की ओर से सुबह से ही चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा फोर्सेज भी चौकस हो गई, तो वहीं सुनाम पुलिस की ओर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धर्मशालाओं की गहनता से जांच की गई। उच्च पुलिस अधिकारियों के आदेशों पर DCP सुनाम भरपूर सिंह ने खुद चेकिंग टुकड़ी की कमान संभाली। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर व लोगों के जान माल की सुरक्षा को लेकर कोई अनहोनी घटना ना हो सके, इसलिए ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो जी, सीनियर अफसर वालों इंस्ट्रक्शन ने, श्री सुरेंद्र लांबा IPS SSP साहब संगरूर वालों इंस्ट्रक्शन से सारिया सरावं होटल सक्की थावं भीड़ वाली थावं सारिया चेक करनिया ने। आज़ादी दिवस के संबंध में यह सारा कुछ किया जा रहा है जी, चौकसी के वजह ताकि लोगों की जान ते माल की सुरक्षा जी यकीनी बनाया जा सके। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में श्री शिव मंदिर मथुरा नगर सोडल रोड जालंधर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर कमेटी सदस्यों और इलाका वासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया।
इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करने से शरीर व मन के दुख कम होते हैं। सनातन धर्म में हर घर में गाय होनी ही चाहिए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। विनती कर रही है सासू माँ, बच्चे रो रहे हैं, दूध पिला दो। मैया डांटती है, बहू तुम्हें काम करना है कि मेरा काम को देखना है? तुम छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, मैं देखूंगी। मन में दुख लेकर के अपने कार्य में लग जाती है। कोई रसोई बना रही है, कोई झाड़ू, कोई पानी भरने का काम। बहुत समय के पश्चात चरण दबा रही थी एक दिन, त्रिदेवियां अनुसुईया को प्रसन्न कर रही हैं कि कैसे भी करके इनको हम प्रसन्न कर रहे हैं। मैया ने देखा कि त्रिदेवियां लंबा घूंघट काढ़े हुए, घूंघट के अंदर ऐसा लग रहा जैसे रो रही हूं। जाओ देवी और सो जाओ, बहू बहुत टाइम हो गया है, अब आप लोग भी आराम करो। नहीं मैया, सेवा करने दो, चरणों को दबाए जा रही हैं। और ऐसा लगा मैया को कि ये रुदन कर रही हैं। बहू क्या हो गया, कोई तकलीफ है क्या, कोई कष्ट है, तुम रो क्यों रही हो इतनी रात? नहीं मैया, कुछ नहीं। बहुत पूछा तो तब त्रिदेवियां बोलती हैं, मैया हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमारे ही कारण आज हमारे त्रिदेव ये महान दुख कष्ट पा रहे हैं। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ पे, इस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो बात की चिंता। भगवान के चरणों में करी हुई प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाती है। भीड़ पड़ी जब उसको पाए बारे दूर करो, कर सको हमारे जाओ रावण कुंभ कर्ण कंस दुशासन शिशुपाल के कोप हुए, अत्याचार हुए, उस समय भी भगवान को ही पुकारा। उसके आगे भी जब जब ऐसे संकट आए तो हमारे महापुरुष ने परमात्मा को पुकारा है, क्योंकि हम भी भगवान को भूल जाते हैं। और प्रभु बोलन व्यापन सब रोग है, प्रभु को बोलने से ही सब रोग भय चिंताएँ आती हैं। अगर प्रभु याद हैं तो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पर जीव का स्वभाव है भगवान के परोपकार को भूल जाता है। सुग्रीव भी भगवान को दिए हुए वचन को भूल जाते हैं, पद प्रतिष्ठा पा करके सहज में ही भगवान से मुक्त हो जाता है। भगवान को वचन दिया पर पद प्रतिष्ठा राज्य पाकर के विषय भोगों में ऐसे लीन हुए कि प्रभु को किया वो वचन ही भूल गए। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है।
जिसके चलते पूज्य गुरुदेव आचार्य विपिन विराट जी का कथा स्थल पर पहुंचने पर गो सेवा मिशन के सदस्यों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बरनाला शहर के सदर बाजार में दो दुकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाना और पुलिस नाके से कुछ ही दूरी पर चोरों ने दो दुकानों से लाखों की चोरी की। चोरी की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए दुकानदारों ने कहा कि बीती रात सदर बाजार में एक कपड़े की दुकान और एक किराना दुकान में चोरी हुई है। कपड़ा दुकान के मालिक वनीश कुमार ने बताया कि चोर दुकान के अंदर से महंगे कपड़े चोरी कर ले गए, जबकि साधारण कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि दुकान से करीब 3.5 लाख रुपयों की कपड़े चोरी हुए हैं। इसके अलावा चोरों ने दुकान के अंदर लगी गोलक को भी तोड़कर कुछ नकदी चोरी की है। इसके अलावा किराना दुकान के मालिक विवेक गर्ग ने बताया कि बीती रात उनकी दुकान से करीब 80,000 के महंगे हार चोरी हो गए, जबकि करीब 30,000 की नकदी चोरी हुई है। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी दुकानें सदर बाजार में हैं। यहां से थोड़ी दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है और एक पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके अलावा पीसीआर पुलिसकर्मी भी रात में गश्त करते हैं। इसके बावजूद दुकानों पर कोई सुरक्षा नहीं है। चोर बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाया जाए और उनके नुकसान की भरपाई की जाए। इस संबंध में थाना सिटी बरनाला के एसएचओ बरनाला बलजीत सिंह ने बताया कि रात में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, लेकिन चोर फिर भी किसी न किसी तरफ से फायदा उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इन चोरियों की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। रात सदर बाजार दे विच इस दुकान ते कपड़े की दुकान है, चोरी हुई है। ते चोर जिवें मतलब के जाने पहचाने हुंदे ने, मतलब के माल सारा छांट के जिहड़े खानियां दे विच महंगे महंगे सूट पए सीगे उन्हां नूं लै के गए। होर किसे गल नूं नहीं छेड़िया, गल्ला तोड़िया ते खोल लिया उन्हूं गल्ले नूं, मतलब के इदां दा नुकसान करके गए ने। तो जो कोई आम माल सीगा जां उत्थे कोई प्रिंटर पिया सी उन्हां चीज़ां नूं छेड़िया। इदां दी चोरी मतलब के जानकारी दे नाल होई लगदी है। जमा मतलब के इत्थे स्टेशन पुलिस नाका भी हैगा ते कैमरे लगे हुए थां थां ते कोई समझ नहीं आउंदी। इहदे नेड़े ही इक सदर बाजार च होर किराने दी दुकान ते चोरी होई है। उत्थे मतलब के डेली जिंदे भी लगे हुए सी, सारा कुछ पट के चोर बड़ी दलेरी नाल चोरी करके गए। लंघी रात सदर बाजार के रेडीमेड की एक कपड़े की दुकान है जी, वो चोरी हुई है। वह जरा सीसीटीवी के राही चैकिंग की करके पता लगता कि सवेर के 5 बजे के करीब कोई कार सवार आए ने जिन्होंने वो चोरी की है। वो कपड़े की तो कुल 15,000 रुपए की नकदी है। असी वो मनीष गर्ग के बयान के आधार पर असी FIR दर्ज कर रहे हैं। तो साड़ी टीम लगी हुई है तो CCTV कैमरे चैक करके चोरों का जल्दी पता लगाना। इस रात ही मतलब नाल दी पिंकी मार्केट के एक होर दुकान है जी, उत्थे भी चोरी हुई है। बाहरों शटर तोड़ के चोरों ने ट्रेसपास किया, जिदे विच जिहड़े विआहां शादियां च नोटां वाले हार हुंदे है, 35-40 नोटां दे हार जिहड़े चोरी हुए ने। तो कुछ सिक्के ने जिहड़े थैनियां चोरनियां जां ठोलू चोर पए ने वो चोरी हुए ने। कुल मिला के 1,00,000 रुपए का इतने भी नुकसान दसया जा रहा। मेरा नाम भी मनीष कुमार है, मेरी दुकान का नाम भारती फैशन। तो मैं सवेरे 7:30 बजे करीब मैं आया थी दुकान से, जो मैं देखा कि दुकान जिंदे है नहीं सके, ये तोड़े पे थे और जिंदे भी वो नाल ही लगे। तो फिर मैं नाल जी छटा चक्के देखा, जो देखा जाके अंदर मेरा दुकान का माल सी, सारा महंगा माल जो सारा वधिया माल से वो सारा साफ कुत्ता पाया। तो फिर मैं जो दिखे देखे तो बाद फिर मैं दो चार दोस्तों को फोन किया, मित्र प्यारों वो आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। तो जो अभी देखा गला सी मेरा एक नीचे रखा होंगे, वो 10-15,000 कैश पाया होंगे, 15,000 रुपया अभी दुकान के पाम रख लें। वो कला कला उ तोड़िया से गला 15,000 रुपया लैके जाके लगभग 3-3.5 लाख रुपया नुकसान हो गया जी। मेरा सारा महंगा माल से मेरा सारा लैके चके जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के गांव मुछल में पिता ने बेटी का बेरहमी से किया कत्ल, शव को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर गांव में घुमाया।
दिड़बा से लौट रहे एक पेट्रोल पंप मालिक से कुछ लोगों ने रास्ते में घेर कर की मारपीट। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ में जालंधर के 2 भाइयों की हमलावरों ने चाकुओं से गोंद कर की हत्या। वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।